एक छोटा सा चोट क्या लग गया? मेजर साहब कहते मैं अनफिट हूँ। सर अगर आपको मेजर साहब छुट्टी दे दें तो आप क्या कीजिएगा? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। हाँ सर, आपसे यही उम्मीद थी। सर सुनने में आया कि हमारे बॉर्डर केस पर कुछ आतंकवादी घुसा है। कोई फिक्र ना करो, मैं तैयार हूँ। आने दो साले को, चुन चुन के मारूंगा। ये हुई ना बात सर, और आप अकेले ही क्यों, हम लोग हैं ना आपके साथ। सर हमें पता चल गया ये आतंकवादी कहाँ छिप के बैठे हैं। ये देखिए हुंदरवन में। जवानों, सर उन आतंकवादियों ने हमारे 6 जवानों को मार दिया, उसका बदला लेना है हमें, तो कौन मारेगा उसे? सर मैं। सर मुझे जाने दीजिए, मैं उन आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारना चाहता हूँ। ठीक सर, मुझे जाने दीजिए, मेरे फौजी भाइयों को मेरे आंखों के सामने मारा है, मैं उनका बदला लूंगा सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, पर तुम याद रखना, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे साथ साथ सारे फौजी भाइयों की जान भी जा सकती है। ध्यान रखूंगा सर। और हाँ, उन आतंकवादियों को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उन लोगों पे हमला करने वाले हो। ओके सर। आका, हमने तो उन जवानों को मार डाला, लेकिन आका हम लोग छिप के रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं पूरा हिंदुस्तान उड़ा दूं। वाह बेटा फखरुद्दीन, मुझे फख्र है तुम पर, इसलिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। आ गया आका, इनाम दीजिए आका। अब पता मेरा इनाम कैसा लगा। हेलो। अबे कुत्ते, आका का को फोन। हेलो। अबे कुत्ते, अबे कौन बोल रहा है साले कुत्ते, सुअर की औलाद, अगर सामने मिल गया तो तेरे टुकड़े करके कबूतरों को खिला दूंगा। मैं तेरा बाप बड़ी आका बोल रहा हूँ। अब बोली बोली आका बोली। वही तो सर, मैं भी जानना चाहता हूँ कि उन आतंकवादियों को पता कैसे चला कि हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। सर मुझे तो लगता है हमारे बीच कोई गद्दार है,
ए! तुम ऐसा बोल कैसे सकते हो? जो जवान हमारे देश के लिए अपनी जान दे रहा है उसे तुम गद्दार बोल रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सर, पर उन्हें पता कैसे चला कि हम वहाँ जाने वाले हैं? सर ये देखिए, हमारी खुफिया एजेंसी पता चला है कि आतंकवादी यहाँ छुप के बैठे। अच्छा, यहाँ छुप के बैठे ये आतंकवादी? जवानों, आप इन आतंकवादियों को इनके बिल से निकालने का समय आ गया है। हाँ तो जोश इस मिशन के लिए जाबाज टीम चुनी जाएगी। रवि ओम प्रकाश सर, इरफान सर, और इस टीम को लीड करेगा अमर सक्सेना। थैंक यू सर, मुझे इसी पल का इंतजार था सर। और मैं, तुम्हें एक मौका दिया गया था जो तुम गवा चुके हो। सर मुझे और एक मौका दीजिए, मैं उन आतंकवादियों को उनकी औकात दिखा दूंगा। ठीक है, तुम्हारा ये आखिरी मौका होगा। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर। बेटे फखरुद्दीन ले चावल दे। आका इतने चावल में हम कुत्तों को गुजारा कैसे होगा? मेरा मतलब हम लोग को गुजारा कैसे होगा? हाँ का, हम लोग इतने बड़े बड़े काम करते हैं और हम लोग के लिए एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। बेटा बात तो तुम्हारी सही है फखरुद्दीन, पर क्या करें, हमारे पाकिस्तान में खाने के लाले जो पड़े हुए हैं। हेलो सुनो, तुम लोग कहाँ छुपे हो आर्मी के जवानों को पता चल गया है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम लोग वहीं रहो और जवानों से मुकाबला करो। ठीक है बड़े आका, हम भी तैयार हैं। मुझे लगता है इन्हें फिर से पता चल गया कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं। कोई बात नहीं, तुम लोग आगे से जाओ, मैं पीछे से हमला करता हूँ। खानी है क्या? अबे ये वाली गोली नहीं, गन की गोली दे। हाँ मुझे कसम है तुम दोनों की, मैं उन आतंकवादियों से तुम दोनों की शहादत का बदला जरूर लूंगा। पता तुम लोगों का मिशन क्या है? प्लीज मैं बता दूंगा, मुझे जाने दो, प्लीज मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। अपने हथियार नीचे फेंक दो। सर आ? हाँ मैं। बड़े आका मुझे पता था आप जरूर आओगे। सर ये क्या बोल रहा है, आप इनके बड़े आका हो? हाँ मैं ही हूँ इनका बड़े आका, जो बरसों से इंडियन आर्मी में रहकर इंडियन आर्मी की खबर इन तक पहुँचाता था। मैं कोई इंडियन आर्मी नहीं, इनका बड़े आका हूँ। मैं तेरा पाप बड़े आका बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेजर ने कुछ जवानों को तुम्हारी ओर भेजा है तुम्हें मारने के लिए, तुम लोग फौरन उस जगह को खाली करके वहाँ से निकल जाओ। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है?
इनके बारे में आपको कैसे पता चला? जब मैं आर्मी कैंप में था। सुनो, आर्मी के जवानों को पता चल गया कि तुम लोग कहाँ छुपके बैठे, पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम लोग वहीं रहो और जवानों से मुकाबला करो। पाकिस्तान चिंता मत। वेल डन सर। भारत माता की।